सिक्किम और तिब्बत की थांका पेंटिंग, जिसे टंका, थंका या टंका के नाम से भी जाना जाता है। थंका कला भारतीय नेपाल और तिब्बत की संस्कृति में ही शामिल है। इसके माध्यम से तिब्बती धर्म, संस्कृति और दार्शनिक मूल्यों का अभिव्यक्त किया जाता रहा है। इसका निर्माण सामान्यतः सूती वस्त्र के धुले हुए कॉटन के कपड़े पर किया जाता है। तिब्बती शब्द थंका का शाब्दिक अर्थ है दैट मीन्स रिटन मैसेज। तो इस तरह थंका के जरिए बुद्धा के सारे जो उपदेश हैं उनका एक तरह से रिटन मैसेज की तरह मिल जाता है। ये कला के रूप में बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही ज़्यादा विकसित है, जिसके माध्यम से बौद्धिक धर्म के बारे में, उसके जो दर्शन है उसके बारे में समझाया जाता है। ये एक तरह की स्क्रॉल पेंटिंग होती है। थंका पेंटिंग एक्रेलिक पेंटिंग की तरह ही सिर्फ एक कैनवस पर नहीं बनाई जाती है, स्क्रॉल पेंटिंग की तरह ज़्यादा होती है, जहाँ पर पिक्चर पैनल को एक कपड़े के ऊपर चित्रित किया जाता है, फिर उसमें रेशम के बॉर्डर से कवर लगाया जाता है। आमतौर पर थंका बहुत लंबे समय तक चलता है। और अगर उसे थंका के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे इनमें जो इनका जो मोटिव रहता है, इनमें जो इनका जो विषय रहता है वो होता है बुद्धा, बोधिसत्व, देवियाँ, बहुत ही एंगर वाले जो होते हैं बीइंग्स, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, और स्तूप, मठ की वस्तुएं, मंदिर, धार्मिक वस्तुएं, पशु, पौधे, फूल, मतलब अलग अलग तरह के इनके जो मोटिव्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ पुरानी कहानियाँ। और इसके बनाने की बात करें तो इसके निर्माण के लिए एक वस्त्र का उपयोग किया जाता है। उसके सेंटर में जो है उसमें उनके जो प्रमुख देवी या देवता या गुरु होते हैं उनका चित्र बनता है। उसके चारों तरफ उनके किए हुए कार्य दिखाए जाते हैं। प्रोसेस की बात करें तो इसमें ज़्यादातर हाथ से किया गया पेंट होता है, जिसमें जो आपके नेचुरल कलर्स और गोल्ड का यूज़ होता है। इसमें थोड़ा सा कढ़ाई भी की जाती है और सजाने के जो मटेरियल होता है वो भी लगाया जाता है। इन्हें बेसिकली मठों में और घरों में देखा जा सकता है, स्पेशली फेस्टिवल सीजन में इन्हें लगाते हैं। और ये रिलीजन के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से बहुत ज़रूरी भी माना जाता है इसे लगाना। पुराने ज़माने में थंका पेंटिंग से पढ़ने में मदद मिलती थी। लामा या बौद्ध शिक्षा जो करते थे वो उनके जीवन के अनुभव वगैरह इन पिक्चर्स के माध्यम से, एक तरह से ये रिटर्न मैसेज ही है। इसके मोटिव्स जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग देवी देवताओं और उनसे जुड़े हुए उनके सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह होते थे। कलर्स की बात करें तो लाल रंग, लामाओं के लिए लाल रंग यूज़ किया जाता था, महात्मा बुद्ध के लिए पीले रंग का, और अमर जो है उनके लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे गॉडेस तारा के बारे में बात करें अगर, तो उनको तिब्बत में दोलमा कहते हैं, और ये भी कई तरह के दिखाई जाती हैं। ये है वाइट तारा, इसी तरह होती है ग्रीन तारा, और होती हैं उनके अलावा एक लाल तारा, मतलब तीन तरह की तारा गॉडेस दिखाई जाती हैं। जो वाइट तारा होती है वो दया की देवी मानी जाती है, वे सेहत, खुशी और लंबी उम्र का वरदान देती है। उनके माथे के बीच में तीसरी आँख भी दिखाई जाती है। इसी तरह जो ग्रीन तारा है उनकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है, वो भी दया के प्रतीक हैं। हरी तारा की पूजा मुश्किल समय से निकालने और खतरों से बचाने के लिए की जाती है, और सबसे उग्र रूप होता है लाल तारा का। तो इस तरह से अलग अलग देवी देवता उनके जो भी काम है उनके हिसाब से ये सारी की सारी पेंटिंग्स बनाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसमें होता है गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध, उनके संदेश, उनकी लाइफस्टाइल, उनका जो ज्ञान है, उनका जो एनलाइटमेंट, वो सारी चीज़ें इस तरह से इसमें दिखाई जाती है। जैसे कुछ पिक्चर्स में राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध 5 तपस्वी यात्रियों के साथ यात्रा कर रहे हैं, या मुश्किल समय में कुछ खोज के ला रहे हैं, इस तरह से यूज़ किया जाता है इसमें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका इस्तेमाल ध्यान लगाने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, मतलब ये विजुअली हेल्प करता है लोगों की मेडिटेशन में फोकस करने के लिए। अगर आपके पास थंका पेंटिंग है तो आप मेडिटेशन में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे।
और इसमें दिखाए गए देवी देवताओं और उनके लाइफस्टाइल के बारे में एक चेन सी बन जाती है इसमें। ये तांत्रिक साधना के लिए बहुत उपयोगी है, मतलब इसमें मंडला जो है वो मेडिटेशन में हेल्प करता है। इसी तरह जैसे अभी हमने बात की तिब्बतन गॉड गॉडेसेस के बारे में, ऐसे ही सिक्किम में भी थांका बनाई जाती है। कहा जाता है कि सिक्किम राज्य को बनाने के लिए उस समय जो थांका इस्तेमाल किया था, और इसकी शुरुआत सिक्किम के आखिरी चौग्याल यानी कि जो पुजारी राजा थे उन्होंने थांका बनाया था। थांका में धार्मिक थांका कला से मिलते जुलते जो बौद्ध चित्रों का इस्तेमाल सिक्किम के संस्थापकों ने किया, वैसा ही तिब्बत में भी पाया जाता है। थांका में जेमस्टोन पाउडर और गोल्ड डस्ट का सबसे पहला जो यूज़ है वो 1919 में किया गया था। ब्लू बुद्धा और मंडला जो है वो सिंबलिक होते हैं नेचर के बारे में, जो कि 1919 से स्टार्ट किया गया। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब मंडला है जो होता है, जिस अभी जिस मंडला की मैं जैसे बात करती थी उसमें बीचों बीच जानवर दिखाए जाते हैं, जैसे सुअर मुर्गा सांप आदि सब ये सब बनाए जाते हैं। इनके ज़रिए, इन एनिमल्स के ज़रिए इन चित्रों में बताया जाता है कि जैसे कुछ कमी या कुछ एंगर, कुछ ग्रीड, कुछ दुख, कुछ असंतुष्टि वाली दुनिया, जन्म और मौत के प्रयोग को भी 6 भागों में बांटा जाता है। मंडला में थांका में सबसे ऊपर दाएं ओर बुद्ध का चित्र, फिर उसे इसी पहिए से जैसे आप ये देख रहे हैं सबसे ऊपर बुद्ध का चित्र और इसके आसपास जानवर, जो अलग अलग जो हमारे नेचर हैं उनको दिखाया जाता है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में